क्षेत्र की जनता को ये संदेश देके जिस तरह से पलामू के आदिवासी विकास करके आज राज्य स्तर पर चले गए हैं, हमारे लातेहार क्षेत्र के आदिवासी भी राज्य स्तर पर जाने में कामयाब होंगे। अजय सिंह जेरो जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कम समय में ठोस ठोस बातें रख करके लोगों की मन की भावना में विकास की घड़ी देने के काम करेंगे। पवित्र भूमि पर आदमी से महत्वपूर्ण है, हम सभी को एक साथ एक मंच पर लाने वाले इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता सभी धन्यवाद में पात्र है। चूंकि जब भी इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित होता है, कहीं ना कहीं हम सभी को एक साथ एक मंच पर संगठित होकर कुछ न कुछ विचार साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए जो है कमिटी के तमाम सदस्यों को मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए, ताकि इनके हौसले आने वाले समय के लिए हमेशा इसलिए बुलंद रहे। और मैं जहां तक अनुभव कर पा रहा हूँ, जो हमारी माताएं बहने हैं, जो आदिवासी संस्कृति कल्चर टीम के जो बहने हैं, उनसे मेरा आग्रह हुआ कि आप कृपया कर एक लाइन में आप यदि खड़े हो जाए तो साथ में एक पत्रकार होने की हैसियत से कह पा रहा हूँ कि मैं आपकी जो दृश्य है, आपका जो कल्चर है, आपका जो वेशभूषा है, उसको कम से कम हम अपने कैमरों में कैद करके अपनी संस्कृति को इस राज्य के मुखिया तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। मैं माताओं बहनों से आग्रह करूंगा कि आप कृपया करके सामने आ जाए, और अगर लाइट की व्यवस्था है तो कृपया उधर एक बार लाइट जरूर आ जाए, ताकि कैमरा करने में हमको कोई दिक्कत ना हो। अगर लाइट की व्यवस्था है तो ठीक है, अदरवाइज हम मेंटेन कर लेंगे। उधर से कैमरामैन से मेरा आग्रह होगा कि आप उधर कृपया करके आप हमारी बच्चियों का जो वेशभूषा है, जो संस्कृति है, मुझे पता है जब से हम लोग आए हैं तब से ये अपने नृत्य पर कहीं ना कहीं फिरकते नजर आए हैं। मुझे पता है ये आदिवासी का वो कल्चर है जो कभी रुकने का नाम नहीं लेता है, और यही चीज हमको बरकरार रखना है इस मेले के माध्यम से, इस टूर्नामेंट के माध्यम से अपनी संस्कृति को बचाने का ये हौसला हमें बुलंद करना है। एक बार महिलाओं की सांस्कृतिक टीम की महिलाओं के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं उम्मीद करूंगा मंच पर उपस्थित तमाम अतिथियों से एक बार खड़े होकर उनके सम्मान में तालियों के साथ इनका स्वागत करें। तमाम अतिथियों से मैं आग्रह करूंगा एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए तमाम हमारी महिलाओं की। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जब से हम लोग उपस्थित हुए हैं, आप नहीं भी तो हमको लगता है 400 मीटर दूर जाके हमारा स्वागत किया है। आप इस अभिवादन के लायक है, आप इस संस्कृति को बचा रहे हैं, आप सम्मान के लायक है। और क्योंकि हम अपनी बातों को आपके बीच साझा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन संचालन करता जो बोल रहे थे, कैसे हमारा समाज ये आदिवासी समाज शिक्षा के आधार पर चलकर अपनी आर्थिक अपनी सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ कर पाएगा, इसके लिए हम सभी को कदम से कदम मिलाकर एक साथ आगे की ओर बढ़ना होगा, तब हमारा समाज सांस्कृतिक के साथ साथ आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएगा। मुझे पता है जब हम लोग पलामू की धरती पर राजकीय मेला, आज राजकीय मेला के नाम से जाना जा रहा है, कहीं न कहीं इस मंच पर उपस्थित तमाम उन सदस्यों का सहयोग रहा है कि उस मेले को राजकीय मेला का घोषणा होने के लिए सरकार को मजबूर किया गया। और आप तमाम जितने भी संगठन के लोग, जो समिति के लोग हैं, उनमें भी ये जज्बा मुझे दिख रहा है। हम सभी को इसके लिए प्रयास करना होगा, कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम, अपने मेले के आयोजन के लिए अपने दम पर ये खर्च करके ये मेला संचालित करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के कमिटियों से कि आप एक ऐसा प्रतिवेदन बनाएं ताकि हम लोग इस मेले को राजकीय मेला दर्जा प्राप्त कराने के लिए राज्य सरकार के पास एक बार कदम से कदम मिलाकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन करें। चूंकि ये हमारा ऐतिहासिक धरोहर महाराजा मेदिनी राय का ये पावन पवित्र धरती है। पिछली बार जब हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे तो एक चीज हमने गौर किया था, हमने उन तमाम अपने समाज के
हालांकि ये जितनी भी महिलाएं हमारी दिख रही हैं, उराव समाज से बिलोंग करते हैं, सही है कि नहीं? सही है ना? और आपने जो आज स्वागत करके वर्षों से हम लोग जब से यहाँ आए, उम्मीद है हमें, हम ये देखते आ रहे हैं कि आपकी संस्कृति, आपका जो कल्चर है, जो स्वागत करने का जो तरीका है, वो किसी और समाज में नहीं है, वो आदिवासी में है, आदिवासी सर्वश्रेष्ठ होता है। हमने ये आग्रह किया था कि आखिर हमारी बहने, यहाँ के कमेटी लोगों से भी मैंने आग्रह किया था कि हमारी बहने क्यों नहीं उनके साथ आके अपने कल्चर को सीखते हैं, उसको सीखने की जरूरत है, क्योंकि आज के परिवेश में कहीं ना कहीं हम आदिवासियों को अलग थलग करके एक राजनीतिक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उससे हमको सीख लेने की जरूरत है, उससे हमको परहेज करने की जरूरत है। हमको भी इस संस्कृति में वापस आना है, इन महिलाओं से जो हमारे युवा साथी ईमानदार और लगाड़ों के साथ फिरक रहे हैं, हम चेहरों पर कमी है भाई, ये मैं आप तमाम सदस्यों से आग्रह करता हूँ, हम चेहरों के समाज में ये कमी है कि हमारी महिलाएं एक साथ आपके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं अपनी संस्कृति को दिखा पाते हैं। तो मैं निवेदन एक बार फिर से कर रहा हूँ कि आप अपनी महिलाओं को, अपने बहनों को इस संस्कृति से रूबरू कराइए, ताकि आने वाले समाज में जो ये सरकार की जो नीतियां चल रही है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों को अलग तरीके से बांट के उनकी संस्कृति को खत्म किया जाए, उसको हमको बचाने की जरूरत है। आज के इस कार्यक्रम से हमको संकल्प लेने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस मंच के माध्यम से जब हम लोगों को दो शब्द बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, अगर आप सच में आदिवासियों को बचाना चाहते हैं तो आपको अपनी पुरानी संस्कृति जो हमारे पूर्वजों ने दिया है उसको वापस लाने की जरूरत है। नहीं तो कई ऐसे षड्यंत्र करते जा रहे हैं कि उराव तो आदिवासी है, उसके पास कल्चर भी है, भाषा भी है और संस्कृति भी है, लेकिन हमारे चेहरों के पास एक तलवार लटक रही है भैया। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ तमाम कमेटी के सदस्यों से, आप ठीक है अभी इस मंच पे नहीं आ सकती हमारी महिलाएं, जो कर्म पर गांव के टोले कस्बों में होते हैं वहां तो हमारी बहने झूमर खेलती है ना, वहां इस संस्कृति को हम क्यों नहीं अपनाते हैं? अपनाना होगा। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं इस बार इस वर्ग इस वर्ष के कर्मा पर्व हमारे पलामू के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रखंड के पंचायतों में हम लोगों ने अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के तमाम सदस्यों ने संगठित तरीके से करम पूजा के माध्यम से अपनी संस्कृति को बचाने का एक बहुत बड़ा पहल किया है, वो आपको शायद आज के न्यूज में आपको दिख जाएगा, क्योंकि हमारा चैनल हमेशा अपने आदिवासी दलित पिछड़ों की आवाज को देकर आगे बढ़ा है। तो हमारा ये दायित्व भी है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते, कि हम अपने समाज को कैसे सुरक्षित रख सके, अपने समाज को कैसे संरक्षित रख सके, अपने आदिवासी अपनी संस्कृति को कैसे बचा सके, ये हमारा परम कर्तव्य है। तो आप आने वाले कल या आज शाम को आपको वो संस्कृति, वो भाषा, वो कल्चर देखने को मिलेगा। और आपके पास उतनी महिलाएं हैं, हमारे पलामू में भी बहुत कम संख्या है उराव की, ये जानते हैं ना, उराव की संख्या कम है, लेकिन हम लोग लगातार कहीं ना कहीं उराव भाइयों के साथ, बहनों के साथ मिलकर आपकी संस्कृति को अपने अंदर सजोने का, अपने अंदर ग्रहण करने का वो प्रयास चल रहा है लगातार। तो हम संस्कृति से बाहर ना हो, आदिवासी हमारे खत्म ना हो, इसके लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम आदिवासी हैं, तब आज हम आरक्षण से बदौलत, आरक्षण को लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़े भी हैं। समाज में से बहुत से ऐसे हमारे बुद्धिजीवी सज्जन हुए जो अच्छे अच्छे पदों पर जाकर अपने समाज की सेवा कर रहे हैं, वो यही कारण है कि वो कम से कम आरक्षण के बदौलत नौकरी हासिल की और आज हम जैसे नौजवान युवाओं को पढ़ने का अवसर प्रदान किया है। नहीं तो हम अगर नहीं पढ़ पाए होते तो शायद आपकी आवाज को नहीं उठा पाए होते। ऐसे तमाम मुद्दों के साथ आज के इस आदिवासी कर्मा पर्व पर जो ये मेले का आयोजन किया गया है, इससे हमको संकल्प लेने की जरूरत है। और अगली बार मैं उम्मीद करूंगा जितने भी तमाम कमेटी के सदस्य हैं, आप एक एक महिलाओं को, बहनों को अपने साथ लाएंगे, फिरकने के लिए लाना ही पड़ेगा, तब जाके आपके आदिवासियों को जगह थक रही है तलवार, इससे हमको सचेत होने की जरूरत है। चूंकि समय कम है, हमारे बीच उपस्थित तमाम जो अतिथि हैं, मैं अभिषेक सर जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप पिछली बार जब हम इनसे बात हुई थी, हमारी वार्तालाप भी काफी अच्छा सदस्य इन्होंने दिया था और एक अच्छे और स्वच्छ नेता या स्वच्छ सामाजिक कार्यकर्ता का ये
जिम्मेवारी है, हमारा समाज जो दबे कुचले समाज है उसको हम अगले स्तर पर कैसे ले जाएं, ये हम सभी का दायित्व है जितने भी आज मंच पर बैठे हुए हैं। तो चूंकि समय कम है इस वजह से हम अपनी वाणी को इन्हीं जन शब्दों के साथ आप सभी को ये संदेश के साथ मैं छोड़ जा रहा हूँ कि अगली बार यदि हम यहाँ उपस्थित हो तो हमारी माताएं भी बहनें भी इनके साथ मंच साझा करें और नृत्य सीखना शुरू कर दें, ये मैं उम्मीद करता हूँ। हमारे भी देखिए मुखिया है, जन प्रतिनिधि क्यों है आपको पता है ना कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक तरीके में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम आदिवासियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तब जाके ये मुखिया बनी है। अब मुखिया जी से मेरा निवेदन है कि आप जन प्रतिनिधि हैं मुखिया का, मुखिया एक कहिए कि राज्य का मंत्री होता है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है, आपके ऊपर भी ये दायित्व है कि आप अपने समाज की महिलाओं को आगे लाइए जैसे ये महिलाएं खड़ी हैं। मैं अगली बार इन्हीं महिलाओं के साथ आप तमाम जितने भी चेहरों समुदाय की महिलाएं हैं उनके साथ खड़े होने के लिए मैं देखना चाहता हूँ, यही नम्र निवेदन के साथ अपनी बात में जुड़ा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार जोरदार हमारी ओर से झारखंडी जोहार जोहार जय आदिवासी जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद।